हेलो, वेलकम टू गौतम एकेडमी। गौतम एकेडमी में आपका एक बार फिर से वेलकम है। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल ही एक नई विज्ञप्ति जारी की है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, प्रकाशन जो विज्ञप्ति का प्रकाशन 27 तारीख को मतलब कल यहां पर किया गया है, समूह गा की ये भर्ती है। ये जो भर्तियाँ हैं ये आंसू लिपिक की है और व्यक्तिगत सहायक की है। 158 यहाँ पर पद हैं। इसका आवेदन आप 31 जुलाई से कर सकते हैं और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 14 सितंबर तक रखी गई है और फीस आप यहाँ पर 16 सितंबर तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा जो अनुमानित है वो दिसंबर की कोई भी तारीख में आयोजित करवा दी जाएगी। आइए आगे चलते हैं। आपको इसका आवेदन जो होगा वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से होगा। अगर आपने पहले भी कोई रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको इसका यूजर नेम पासवर्ड मिला होगा, तो उसके हेल्प से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आयोग ने पहली बार जो आंसू लेखक परीक्षा से संबंधित पदों को अलग करके विज्ञप्ति जारी किया है, उसमें आंसू लिपिक कौशल का जो है वो अलग आवेदन का अवसर मिल सकेगा, इसके लिए यहाँ पर बताया गया है। चयन की जो प्रक्रिया होगी वो दो स्टेप में होगी। पहला आपका एक लिखित पेपर होगा। लिखित पेपर की मेरिट के आधार पर आपको क्वालिफाई जो करना पड़ेगा उसमें आपका टंकण परीक्षा एवं आंसू लेखन परीक्षा होगी, मतलब दो स्टेप में आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। और आगे देखते हैं, इसमें जो है 158 पोस्ट हैं और आंसू लिपिक में 158, और यहाँ पर बताया गया है एक एक पोस्ट का कि कहाँ पर कौन से विभाग में आपको मिलेगी। मान लीजिए कि आपका एक यहाँ पर विभाग कोड है 1 और विभाग का जो नाम है वो है औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर एक डिपार्टमेंट है और यहाँ पर पदनाम भी बताया गया है। आयु जो है वो 18 से 42 वर्ष है, लेवल 6 का है, अच्छा पोस्ट है और यहाँ पर सामान्य के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो हर विभाग की में जितनी पोस्टें खाली होती हैं, ठीक है, हर विभाग में जितनी पोस्टें खाली होती है आंसू लिपिक की वो यहाँ पर मेंशन करके ये बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 158 टोटल पोस्ट हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर है कि वेतन क्रम अगर हम देखते हैं तो लेवल 6 का है, काफ़ी अच्छा वेतन क्रम है यहाँ पर, और राजपत्रीय यहाँ पर पद स्वरूप होगा। अगर क्वालिफिकेशन देखें तो अनिवार्य जो क्वालिफिकेशन होगा वो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष आयोजित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, मतलब आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको हिंदी या आंसू लेखन में न्यूनतम गति जो होनी चाहिए वो 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में जो होगा वो न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से तथा इसकी मान्यता 1 वर्षीय तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपको 12th आनी चाहिए, उसके साथ साथ मतलब 12th पास आउट होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास आउट होना चाहिए। हिंदी में 80 पर मिनट और कंप्यूटर में हिंदी अगर देखें तो वहाँ पर 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी संस्थान से। ठीक है दोस्तों, और लिखित परीक्षा में समान अंक हो तो उसमें उनकी आयु के हिसाब से देखा जाता है। अगर हम पेपर का देखें कि किस तरीके से पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, करीबन 2 घंटे मिलेंगे, जिसमें आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा अगर हम देखें तो ओबीसी और सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 45% और जबकि अन्य विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 35% रखा गया है। मतलब जो जनरल ओबीसी वाले होंगे उनको 100 में से 45 नंबर लाना अनिवार्य है इस भर्ती में आगे प्रोसेस करने के लिए, और जो अन्य जातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति जितने भी हैं उनको 100 में से 35 नंबर लेना अनिवार्य है।
आगे देखते हैं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/4, ठीक है। एक अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो उसमें 1/4 क्वेश्चन कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसमें आयु आप यहाँ देख रहे हैं 1 जुलाई 2019 से यहाँ पर गणना की गई है, और अन्य जातियों को अगर है तो उनको छूट भी दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा यहाँ पर है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनकी वेबसाइट में आप यहाँ से इनका आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, देखिए यहाँ पर इनकी वेबसाइट है, आप इससे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो यही है, आप यहाँ पर फीस भी दे सकते हैं उत्तराखंड सामान्य, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 150-150 सबके लिए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये पूरी प्रक्रिया हमने बता दी है। 158 पोस्ट, काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अगर आप मेहनत करते हैं और अच्छी तैयारी इसमें करते हैं तो ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। क्योंकि बस इसमें है कि अगर आप, क्योंकि अगर आप इसका सिलेबस भी देखें, चलिए आपको मैं सिलेबस में ले चलता हूँ, तो सिलेबस बहुत ही इजी रखा गया है, कुछ कुछ भी इसमें टफ नहीं है। सामान्य हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक या अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं, एक इलाहाबाद पब्लिकेशन की आती है। सामान्य ज्ञान जो कि आप एनसीईआरटी कवर कर, अगर आप स्टार्टिंग है तो आप एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। और सामान्य अध्ययन विषयक, विषयक का मतलब होता है कि आप जिस विषय से, हो सकता है कि यहाँ पर कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, टंकण से मिल सकते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे में आयोजित करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम जल्दी बताएंगे कि इसमें इसका जो सिलेबस होगा उसमें कैसे तैयारी किया जाए, ठीक है दोस्तों। ओके।